लास्ट आज हमने चैप्टर टू स्टार्ट करना है। लास्ट में हमने चैप्टर वन के शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट और लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, और उसके बाद कि चैप्टर वन का जो मेजर पार्ट है वो बेसिकली न्यूमेरिकल्स के ऊपर जो था वो कंसिस्ट करता है। ठीक है, तो आज देखेंगे चैप्टर टू के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, कौन से शॉर्ट एंड लॉन्ग आपने करने हैं अकॉर्डिंग टू ईयर। तो सबसे पहले देखिए शॉर्ट क्वेश्चन, सबसे पहले है सब्लिमेशन, डिफाइंड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होती है, हमने कई बार बात की है कि वो प्रोसेस जिसमें एक सॉलिड सैंपल को जब हम हीट करें तो उसके हीटअप करने से वो डायरेक्ट गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस जो है ये कुछ स्पेशल किस्म के सब्सटेंसेस ही कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली प्रोसेस क्या होता है कि जब सॉलिड को हीट करते हैं वो मेल्ट होता है, लिक्विड बनता है, लिक्विड से गैस बनता है, लेकिन सब्लिमेशन प्रोसेस के अंदर डायरेक्ट सॉलिड से जो है वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि मिसाल के तौर पर आयोडीन, I2, इसी तरह से आइस, या आपने देखा होगा अक्सर मतलब चपटी है ना, जब तक निकालते हैं या ऊपर फ्रीजर का दरवाज़ा खोलते हैं तो वेपर्स निकल रहे होते हैं, ऐसे ही होता ना, तो वो जो गैस निकल रही होती है, वेपर्स निकल रहे होते हैं, अक्सर ये भी क्वेश्चन आता है कि हम चीज़ को बॉयल करते हैं तो वेपर्स निकलते हैं, वो ठंडा करने से कैसे वेपर्स निकलते, वो असल में सब्लिमेशन हो रही होती है। ठीक है, तो आइस जो है ये भी सप्लाई कर सकती है, ये बात याद रखें, वाटर सप्लाई नहीं करता, लिक्विड वाटर जो होता है ये सब्लिमेशन नहीं करता, लेकिन आइस जो है वो सब्लिमेशन करता है, वो डायरेक्ट सॉलिड से उसके गैस में निकल कन्वर्ट हो रहा, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा, समझ आ गई बात। अच्छा, इसके अलावा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, डिफाइंड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, इट इज अ सेपरेशन टेक्निक व्हिच इज यूज्ड टू सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, ऐसी टेक्निक जिसमें हम ऐसे सैंपल्स को सेपरेट करने के लिए ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जो कि थर्मली अनस्टेबल हो। थर्मली अनस्टेबल का मतलब क्या, उनको हीट करें तो वो सैंपल जो है वो ख़राब हो जाए, इसको हम सब्लिमेशन नहीं कर सकते, उसकी बॉइलिंग नहीं कर सकते, ऐसे सैंपल जिनको हम हीट नहीं कर सकते, हीट करने से वो ख़राब हो जाएंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इस्तेमाल करते हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक में आपको पता है क्या करते हैं, हम दो सॉल्वेंट लेते हैं, एक सॉल्वेंट जो है एक्वस होता है और दूसरा सॉल्वेंट ऑर्गेनिक होता है, इसी वजह से दोनों सॉल्वेंट एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं हो रहे, इनमिसिबल सॉल्वेंट होते हैं। उन सॉल्वेंट्स के अंदर हम वो सॉल्यूट डालते हैं जो किस सॉल्यूट के अंदर सेपरेशन करना है। ठीक है, वो सॉल्यूट क्या करते हैं, दोनों सॉल्वेंट में 50-50% जो है वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, 50% नीचे वाली लेयर में रह जाएगा जिसे एक्वस लेयर कहते हैं, 50% ऊपर वाली लेयर में आ जाएगा जिसे हम ऑर्गेनिक लेयर कहते हैं। ठीक है, और देन उसके बाद हम एक लेयर को सेपरेट करते रहेंगे तो दूसरी लेयर से सॉल्यूट ऊपर आता रहेगा, सारी बात है, तो नीचे से सेपरेट होकर ऊपर आ रहे हैं तो मतलब इस तरह से हम सेपरेशन ऐसा ऐसा करते हैं, यह सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के लिए। अगर इस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में जो हम ऑर्गेनिक लेयर वाला सॉल्वेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो ईथर है, तो यही सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ईथर एक्सट्रैक्शन के लिए, मतलब टेक्निक सारी वही है, लेकिन अगर हमने सॉल्वेंट ईथर इस्तेमाल किया तो ये ईथर एक्सट्रैक्शन है। ईथर के अलावा भी मुख्य सॉल्वेंट इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम कॉमनली ईथर को यूज़ करते हैं, वाटर और ईथर इनका कम्बो यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको ईथर एक्सट्रैक्शन भी कहा जाता है। मतलब नेक्स्ट है पार्टीशन लॉ, पार्टीशन लॉ का दूसरा नाम है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या पार्टीशन लॉ क्या है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन बेसिकली इस प्रिंसिपल पर काम करता है, पार्टीशन लॉ। ये क्या कहता है, लॉ ये लॉ बताता है कि जब हमने एक सॉल्यूट को डिसॉल्व किया है दोनों सॉल्वेंट्स के अंदर, तो वो सॉल्यूट अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करता है इक्वल प्रोपोर्शन में, मतलब 50% सॉल्यूट नीचे एक्वस लेयर में रह जाता है, 50% सॉल्यूट ऊपर ऑर्गेनिक लेयर में चला जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड। जितना मर्जी सॉल्यूट आपने डाला हो हमेशा 50% नीचे रह जाएगा, 50% ऊपर वाली लेयर में चला जाएगा। मिसाल के तौर पर आपने 10 ग्राम सॉल्यूट डाला था तो 5 ग्राम नीचे एक्वस में रह जाएगा, 5 ग्राम ऊपर वाली में चला जाएगा, 5 ग्राम डाला था तो 2.5 नीचे, 2.5 ऊपर, हमेशा हाफ ऊपर जाएगा हाफ नीचे आ जाएगा, जितना मर्जी से यूट ऐड किया हो, ये बेसिकली पार्टीशन लॉ बताता है। ठीक हो गया, मतलब कि और जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है वो सारी की सारी इसी लॉ को फॉलो करते हैं। क्लियर, नेक्स्ट आता है भाई डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट को हम सिंबल के ई से शो करते हैं। ठीक
का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट का जो फॉर्मूला होता है इट विल बी ई इज बेसिकली अ रेशियो। अगर हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट देखते हैं तो ये तो रेशियो है किसके दरमियान, एटमोस्फियर और ऑर्गेनिक लेयर के। मतलब अच्छी बात थी, रेशियो बिटवीन द ऑर्गेनिक लेयर टू द एटमोस्फियर, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। यानी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इन द ऑर्गेनिक लेयर डिवाइडेड बाय सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इन द एटमोस्फियर, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। समझ आ गई बात, क्लियर हो गया। ये डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट की वैल्यू हमें बताती है कि हमारी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की टेक्निक कितनी एफिशिएंट जा रही है। इसकी वैल्यू जितनी वन के करीब आएगी उतनी हमारी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक ज़्यादा एफिशिएंट काम कर रही है, यानी हमारा सॉल्यूट अच्छे तरीके से सेपरेट हो रहा हो। समझ आई बात, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी आपको होता है ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जो कि क्रोमैटोस से निकला है। क्रोमैटोस का मतलब कलर है। क्रोमैटोग्राफी इट्स आल्सो ए सेपरेशन टेक्निक एंड इट इज यूज्ड टू सेपरेट अ डिफरेंट कंपोनेंट इन अ मिक्सचर। एक मिक्सचर है मल्टी कंपोनेंट्स का, उसके तमाम कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है आपने, तो उसके लिए हम क्रोमैटोग्राफी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपने तीन कलर की इंक्स को मिक्स कर दिया, रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर। अब उनको जो मिक्सचर है आप उनको सेपरेट करना चाहते हैं कि तीनों कलर सेपरेट हो गए, उसको सेपरेट करने के लिए हम क्रोमैटोग्राफी यूज़ करते हैं। समझ आ गई। अच्छा, क्रोमैटोग्राफी के अंदर एक टर्म आती है स्टेशनरी और मोबाइल फेज। एक आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज क्या होती है? स्टेशनरी का मतलब जो रुक जाए, मोबाइल का मतलब जो मूव कर। क्रोमैटोग्राफी कोई भी हो रही हो क्योंकि डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी, क्रोमैटोग्राफी के अंदर एक कॉम्पोनेंट जो होता है हमारा वो रुक जाता है। मतलब मिसाल के तौर पर अगर हम पेपर क्रोमैटोग्राफी की बात करें तो ये पेपर है, ये हमारी, ये हमने अपने सैंपल का स्पॉट लगाया था जो मिक्सचर इसको सेपरेट करके, ठीक है। ये जो हमने स्पॉट लगाया है ये क्या कहलाएगी हमारी, ये जो स्पॉट है इस स्पॉट में जो कितना सैंपल है ये कैसे कैसे टाइम कुछ रहेगी, ये मूव करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। इसका मतलब ये मूव कर रहा है, ये क्या कहलाएगी, मोबाइल फेस। मतलब की बात, ये मोबाइल फेस के साथ मूव कर, क्लियर। और इस पेपर के अंदर कोई ऐसी चीज होगी जो कि इस सैंपल को होल्ड किए हुए है, ऐसे ही है ना, वो क्या होता है, वाटर। पेपर के अंदर वाटर मौजूद होता है और ये वाटर जो है इस सैंपल मिक्सचर को अपने अंदर होल्ड किए होता है और ये वाटर जो है ये एक्ट करता है एज अ स्टेशनरी। समझ आ गई बात, क्लियर। ये वाटर जो पेपर में मौजूद है ये स्टेशनरी फेज का काम करेगा और क्रोमैटोग्राफी के लिए जो सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे वो मोबाइल फेज का काम करेगा। और ये जो हमारा सैंपल सेपरेट हो रहा है ये किसके रेफरेंस के साथ हो रहा था, मोबाइल फेज के रेफरेंस के साथ हो रहा होता है। जिस कंपोनेंट की, जैसे मिसाल के तौर पर ये इस सैंपल में तीन कलर हैं, रेड कलर, ग्रीन कलर और ब्लू कलर। लेट्स सपोज जो ब्लू कलर है इसकी मोबाइल फेज के साथ अफिनिटी ज़्यादा है, तो मोबाइल फेज का सॉल्वेंट जैसे जैसे पेपर के ऊपर चढ़ता जाएगा ये इसमें से ब्लू कलर के साथ लेकर ऊपर जाता जाएगा, तो ब्लू कलर काफ़ी ऊपर तक आ जाएगा, ठीक है। ग्रीन कलर की अफिनिटी ब्लू से कम है तो ब्लू के नीचे नीचे ग्रीन कलर आ जाएगा। रेड की अफिनिटी सबसे कम है तो सबसे नीचे जो है वो रेड कलर है, बाकायदा कलर्स नजर आएंगे। तो ये इस तरह से कलर्स की सेपरेशन है, समझ लगे। जो कलर जितना ऊंचाई तक गया इसका मतलब उसकी मोबाइल फेस के साथ अफिनिटी ज़्यादा है, वो मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा पसंद करता है। और जो जितना नीचे रह गया, जैसे रेड कलर है सबसे नीचे रह गया है, तो इसका मतलब इसकी मोबाइल फेस से अफिनिटी सबसे कम है, इसका मतलब इसकी स्टेशनरी फेस के साथ अफिनिटी ज़्यादा है, इसलिए स्टेशनरी फेस के साथ रहना, स्टेशनरी रहना पसंद कर रहा है, इसलिए हाइट तक नहीं है। समझ आ गया। तो ये दो तरह की फेजेस होती हैं, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। एग्जांपल मैंने आपको बताई, स्टेशनरी फेज की एग्जांपल क्या, वाटर एब्जॉर्ब इन द पेपर, फिल्टर पेपर के अंदर जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ तो वो स्टेशनरी फेज होती है। और मोबाइल फेज की एग्जांपल क्या, सॉल्वेंट यूज इन द क्रोमैटोग्राफी, जो सॉल्वेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो मोबाइल फेज का काम। ठीक हो गया, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ क्रोमैटोग्राफी। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ क्रोमैटोग्राफी? क्रोमैटोग्राफी किस प्रिंसिपल पे काम करती है, अभी मैंने आपको बताया। क्या प्रिंसिपल है? दो फेजेस हैं, एक स्टेशनरी एक मोबाइल। जिस कंपोनेंट का अफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ होगी वो नीचे रह जाएगा, जिस कंपोनेंट की अफिनिटी मोबाइल फेज के साथ होगी उसके साथ ऊपर चला जाएगा, तो इस तरह ये कंपोनेंट सेपरेट होगा।
डिपेंड करता है। मतलब नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी क्या होती है? वो क्रोमैटोग्राफी जिसमें हमारा स्टेशनरी फेज जो है वो भी लिक्विड हो और हमारी मोबाइल फेज जो है वो भी लिक्विड हो, ऐसी क्रोमैटोग्राफी कहलाती है पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी। दोनों ही लिक्विड, ठीक है। और जो हमारी एब्जॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी की क्या होती है? ये वो क्रोमैटोग्राफी है जिसमें हमारी स्टेशनरी फेज जो होती है वो सॉलिड होती है और मोबाइल फेज लिक्विड होती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मोबाइल फेज दो ही तरह की हो सकती है। मोबाइल फेज मतलब जो मूव करेगी वो या तो लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है, सॉलिड तो मूवमेंट ना करेगी। अच्छा, और स्टेशनरी फेज दो तरह की हो सकती है, या तो सॉलिड हो सकती है या लिक्विड, क्योंकि गैस कभी रुक नहीं सकती, गैस भी कंटिन्यूसली मूव करता है, ऐसा ही है ना। तो इसलिए स्टेशनरी फेज अगर सॉलिड है तो एब्जॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी, और स्टेशनरी फेज अगर लिक्विड है तो पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो पार्टीशन हो जाती है, मतलब सेपरेट हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लिक्विड स्टेशनरी। एब्जॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो स्टेशनरी फेज के ऊपर एब्जॉर्ब होते हैं। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन में क्या फर्क है? एक पॉइंट होता है एब्जॉर्प्शन और एक होता है एड्सॉर्प्शन। जज़ब करना, बिल्कुल। जज़ब करने का मतलब क्या है? उस लिक्विड का या उस चीज का किसी चीज के अंदर तक चले जाना, ऐसे ही है ना। डस्टर लिया, उसको पानी के टब में डाला, तो पानी सारा डस्टर क्या करेगा? अब्सॉर्ब कर, जज्ब कर, ठीक है। और एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है? जिसमें नहीं, खारिज करना नहीं होता, इसमें इसका मतलब ये होता है कि जज्ब ना करे वो सरफेस के ऊपर ही रहे, सरफेस पर चिमट जाए। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये क्या है? एब्जॉर्प्शन है, इट कैन बी इरेज्ड, ऐसे ही है ना, ये सरफेस के ऊपर ही है। अगर ये अंदर जज्ब कर जाता तो फिर इसको इरेज करना मुश्किल हो जाता, समझ आ गई बात? तो ये मैं क्या कर रहा हूँ सारी, दिस इज द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, समझ आए। मार्कर में ही फिल करते हैं इसके फॉर्म के अंदर, वो एब्जॉर्प्शन होती है या एब्जॉर्प्शन होती है? एब होती, जज्ब होती, ठीक है ना, उसके अंदर जाती है। लेकिन ये इसके ऊपर जब करते हैं तो ये क्या होती है? ये ऐड है, सरफेस पर ही रहती है, इसके अंदर नहीं जाती, ये सॉलिड क्यूबिकल होगा, स्पॉन्जी टाइप नहीं है, समझ आ गई बात? ठीक हो गया। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब जो सरफेस पर रहे, और एब्जॉर्प्शन का मतलब जो एब्जॉर्ब हो जाए, अंदर तक चला, ठीक हो गया। तो हम बात कर रहे थे एब्जॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी की, ये वो क्रोमैटोग्राफी है जिसमें हमारे जब कंपोनेंट सेपरेट होते हैं तो वो सॉलिड सरफेस के ऊपर ही रहते हैं, वो अंदर तक जज्ब नहीं होते, इसे एब्जॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी कहते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं इनके। इसकी एग्जाम्पल मैंने आपको बताई थी, एब्जॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी की एग्जाम्पल है TLC। TLC का मतलब क्या है? थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, ठीक है। और जो पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी है इसकी एग्जाम्पल है पेपर क्रोमैटोग्राफी, ठीक है, जिसमें हम ये फिल्टर पेपर इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है? पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी। मैंने भी आपको बताया इस फिल्टर पेपर में स्टेशनरी फेज क्या है, नहीं कौन चीज है स्टेशन फेज एक्ट कर रही है? वाटर, शाबाश। वो कौन सा वाटर? जो इस पेपर के अंदर एब्जॉर्ब हुआ होगा, पेपर में जो नेचुरल वाटर मौजूद है वो इसकी स्टेशनरी फेज का काम। आपने क्लास देखा होगा पेपर के ऊपर आपको ये ड्रॉप पानी का फेंगे तो क्या होता है? तो फैल जाता है, ऐसे ही होता है ना। क्यों फैल जाता है? क्योंकि उसके अंदर भी पानी मौजूद है, तो पानी उसको फैला। पेपर में नेचुरली वाटर मौजूद होता है, वाटर कॉन्टेंट होता है, मतलब ऑयल का ड्रॉप फेंकेंगे फैल जाएगा वो, ऐसे ही होता है ना। क्यों? अंदर वाला पानी जो है उसको फैला देते हैं। क्या बात कर रहे थे? एब्जॉर्प्शन क्या? TLC आपने पूछा ना क्या होती है? यह है थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। ये सारी ऐसी पेपर क्रोमैटोग्राफी की तरह ही होती है, लेकिन इस पर पेपर नहीं इस्तेमाल करते, इस पर हम ग्लास की एक स्लाइड इस्तेमाल करते हैं।
शीशे की स्लाइड इस्तेमाल करके उसे सॉलिड होती है, उसके ऊपर हम सिलिका की और एलुमिना की, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर लेवी सी बना कर उसकी सलरी कहते हैं उसे, ठीक आटे का लेप नहीं होता जैसे, ठीक है, इसे हम लेवी भी कहते हैं, चटिया लगाने से पहले इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे ही लेवी सी बना के तो वो उस ग्लास की स्लाइड के ऊपर लगा दी जाती, और वो जो लेवी होती है वो जो स्लरी होती है वो स्लरी में बेसिकली वो स्टेशनरी फेज का काम करती है, सॉलिड है ना वो सॉलिड स्टेशनरी फेज है वो टी एल सी में। ये टी एल सी कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस है इसका, कंप्लीट डिटेल आप आगे बैचलर लेवल पर डाल, ठीक हो गया। अच्छा अगर केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो एडजॉर्प्शन क्लियर होगी, टी एल सी की एग्जाम्पल और पार्टीशन की एग्जाम्पल है पेपर प्रोमेटोग्राफ, टी एल सी की एक और एग्जाम्पल है कॉलम क्रोमेटोग्राफ, ये भी आप देख सकते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफ में कॉलम होता है पूरा, शीशे की ट्यूब होती है उसके अंदर ही सारा सॉलिड फिल करती है सिलिका वगैरह, ठीक है, और फिर इसकी भी आगे फर्दर बड़ी टाइप होती है आगे देखिए भाई आर एफ वैल्यू, आर एफ का मतलब क्या होता है रिटेंशन फैक्टर, जिसे हम रिटार्डेशन फैक्टर भी कहते हैं, रिटेंशन या रिटार्डेशन का मतलब क्या है रोक देना किसी चीज़ को, किसका रोकना है जो कंपोनेंट मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, ये कंपोनेंट जो ऊपर की तरफ मूव करे इसको रोकना, कितना रोक सकते हैं इसका आर एफ वैल्यू, समझ आ गई, ये आर एफ वैल्यू हम इसमें इस्तेमाल करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए, ठीक है, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा कि था बुक में भी मेंशन है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रंट, सॉल्वेंट फ्रंट का मतलब क्या है सॉल्वेंट कितना ऊपर तक राइज किया हुआ है, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो क्या आएगा सॉल्वेंट फ्रंट का डिस्टेंस, और मिसाल के तौर पर रेड कलर यहाँ तक आया था तो रेड कलर का यहाँ से बेस साइड तक जो डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा रेड कलर का डिस्टेंस, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 0. समथिंग हमारे पास आंसर आएगा वो इस रेड कलर की आर एफ है, इसी तरह ब्लू की भी आएगी और ग्रीन वगैरह की सबकी अपनी अपनी आर एफ है, समझ आगे बात, आर एफ वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है ये भी याद रखें, ठीक है, तमाम कंपोनेंट्स की आर एफ वैल्यू को प्लस करते हैं हमारे पास टोटल 1 आंसर आएगा, इसलिए सबकी वैल्यू 0.7 अगर आर एफ वैल्यू का आंसर 1 से ज़्यादा आ रहा है सबकी इकट्ठी करती तो 1 से ज़्यादा आ रहा है आंसर, या 1 से कम आ रहा है इसका मतलब आपका एक्सपेरिमेंट सही नहीं हुआ आपने गलत काम किया, तो ये एक पता लगाने का एक तरीका है प्रूफ करने के लिए कि आपने काम किया कि नहीं किया, आपकी आर एफ वैल्यू आपकी सेपरेशन की हुई है कि नहीं हुई, तो इसका एक बड़ा अच्छा तरीका है आर एफ वैल्यू निकालने तीनों को समझ करके देखिए 1 पूरा आता है कि नहीं आता, अगर 1 पूरा आ रहा है तो मतलब आपका काम किया, राउंड अबाउट भी आ रहा है जैसे सपोज 0.99 आंसर आ रहा है आपका इकट्ठा करके तब भी ठीक है काफ़ी हद तक ठीक है थोड़ा बहुत आ रहा है समझ लगी बात क्लियर हो गया, आगे देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है Why RF value has no unit? RF value का कोई यूनिट नहीं होता क्यों नहीं होता तू बता सकते शाबाश because it is a ratio and ratio has no unit. Ratio है ना ऊपर भी डिस्टेंस नीचे भी डिस्टेंस 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 से कट गया तो यूनिट नहीं है सिंपल आंसर है क्योंकि ये रेशियो है इसलिए इसका यूनिट नहीं होता अगला देखिए यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी ये सिंपल आपके चैप्टर के लास्ट में है क्रोमेटोग्राफी किस लिए इस्तेमाल होती है सेपरेशन के लिए भी यूज़ होती है फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने में इस्तेमाल होती है एनवायरनमेंट के सैंपल्स को प्योरीफाई करने के लिए इस्तेमाल होती है और डिफरेंट प्रोसेस है जैसा मिसाल के तौर पर ये जो हम फिल्टर वगैरह इस्तेमाल करते हैं ये भी एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी की एक तरह की एप्लीकेशन ठीक है फिर आगे आती है टाइप्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी पेपर क्रोमेटोग्राफी की बहुत सारी टाइप्स हैं चंदे का आपकी बुक में मेंशन की हैं जैसे एक ये रेक्टेंगुलर पेपर है ना तो रेक्टेंगुलर पेपर क्रोमेटोग्राफी एक होती है सर्कुलर पेपर क्रोमेटोग्राफी जिसे हम रेडियल क्रोमेटोग्राफी कहते हैं वो सर्कल पेपर होता है गोल पेपर होता है ठीक है इसमें तो कलर ऐसे राइज करेंगे ना तो सर्कुलर पेपर के अंदर कलर से होती है सेंटर में स्पॉट लगाते तो वैसे ऐसे फैलते हैं इस तरह से स्पॉट सकते फिर उसकी आदत पड़ती है ठीक है अच्छा फिर इसी तरह से एक होती है असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी असेंडिंग का मतलब जिसमें ऊपर की तरफ आ रहे ये असेंडिंग है कि डिसेंडिंग है ये असेंडिंग है ऊपर आ रहे हैं ना ये असेंडिंग एक होती है डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी जिसके अंदर ऊपर की तरफ हम सैंपल लगाते हैं और क्रोमेटोग्राफी नीचे की तरफ इसकी सेपरेशन हो गई वो डिफरेंट है
अब कुछ कंपाउंड में हम असेंडिंग करते हैं, कुछ में डिसेंडिंग करते हैं, वो हायर लेवल पर आपको पता चलता है कहाँ पर असेंडिंग करेंगे, कहाँ डिसेंडिंग करेंगे, कहाँ सर्कुलर यूज होगी। लेकिन यहाँ सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है कि पेपर कोर मेटाग्राफी की भी आगे बात फर्दर बहुत सारी टाइप्स हैं। समझ आई बात? देखो कि अच्छा, उसके अलावा लास्ट में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपके बुक के अंदर, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपको करना है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट और शॉर्ट है क्वेश्चन नंबर 15 आप बना दें इसका, डिफाइन क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम क्या होता है? क्रोमेटोग्राम कहते हैं वो प्रिंटेड पेपर जो कि क्रोमेटोग्राफी करने के बाद टोटली डन हो गया, उसके ऊपर आपने सारी उसकी वैल्यूज भी लिख ली, उसके तमाम आर्फ वैल्यू भी फाइंड कर लिए, सारे डिस्टेंस वगैरह लिख लिए, पूरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद एट एंड हमारे पास फिल्टर पेपर तैयार आता है सेपरेशन वाला, उस फिल्टर पेपर को हम क्रोमेटोग्राम करते हैं। मतलब की बात क्लियर? अच्छा, और उसके अलावा अब आगे आगे इसके चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन की, इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये दोनों लॉन्ग के तौर पर, एक चॉइस ऑफ सॉल्वेंट और दूसरा जो है पेपर क्रोमेटोग्राफी का पूरा एक्सपेरिमेंट जो अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। और तीसरा जो हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन विद एग्जांपल ऑफ आइंटमेंट की है, देखिए आप सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे, इथर एक्सट्रैक्शन को डिफाइन करेंगे, उसके बाद आपने इसमें जो है वो पार्टीशन लॉ को डिफाइन करना है, और फिर एग्जांपल की हेडिंग देंगे या एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देंगे, जो आपकी लास्ट एग्जाम्पल है के आई वाली, आई डी वाली और के आई वाली, वो पूरी एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये आपका नॉलेज, तो ये था भाई आज का हमारा टॉपिक कि आज हमने देखा कि किस तरह से चैप्टर 2 के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इसको अपनी अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, किसी पॉइंट पर इशू होगा मुझसे डिस्कस करना।